Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to learn our unit number 1, 5 class. The topic is numbers and arithmetic operations. We will learn in this chapter many things, such that today we are going to learn about predecessor and successor. Predecessor is our first thing. Predecessor में हम क्या करते हैं? Predecessor से word से भी हमारे पास show हो रहा है कि हमने कुछ पीछे work कर रहा है. It means, for example, if we have a number 9 and we have to find its predecessor. So predecessor find करने के लिए हमने एक number पिछला लेना होता है. मतलब 9 में से हम minus करेंगे 1, the answer will be 8. So 8 is the predecessor of 9. Similarly, if we have 100 and we are going to find its predecessor, then we have to subtract 1. The answer will be 99. Similarly, when we have a so much larger numbers, such that this one, हमारे पास ये number है, हमें इसका predecessor find करना है. Then we have to do a procedure. हम ऐसे नंबरों में, larger numbers में direct अपना answer नहीं निकालेंगे. हम first of all इसका हम procedure करेंगे, 1 minus करेंगे. ठीक है, 2 minus 1, 1, then 9 same, 8 same, हमारा जो बाकी नंबर है वो टोटली हमारे पास सेम रहेगा. नाउ हमारे पास इस नंबर का प्रेडिसेसर ये होगा. मतलब लार्जर नंबर हो या हमारे पास शॉर्ट नंबर हो, हमने जब भी प्रेडिसेसर फाइंड करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स हमने एक नंबर अगला फाइंड करना है. सपोज वी हैव 7 एंड वी हैव टू फाइंड इट सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स 7 प्लस 1, द आंसर विल बी 8. Similarly, if we have to find the successor of suppose 88, then we will add 1 and the answer will be 89. So 88 ka hamare paas successor kya hoga? 89. Similarly, when we have a larger number, suppose we have this number and we have find its successor, we will add 1 in this number. 9 plus 1, 10. 1 will be carry and the number will be same. So this is the successor of the previous number. Students, now we have our second topic, which is we have to find the place value of the given number. Suppose we have a number 291 and हमें कहा गया है कि हमें इस 9 की value बतानी है. आप लोगों को पता है 9 किस जगह पर है? हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो यूनिट पे होता है, देन टेंस, देन 100. हमारे पास 9 जो है टेंस प्लेस पे है, देन वी विल राइट हियर 90. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 9 की वैल्यू 98 मींस 90 किस प्लेस पर है? टेंस पे. क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं. सपोज वी हैव अ नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 2. हमने इस 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी. इट मीन्स 2 से आगे वाले और 2 से पीछे वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे. आगे वाले तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास 2 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर. देन वी विल राइट हेयर 100. सिमिलरली इफ वी हैव अ लार्जर नंबर, सपोज एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 5. We can see 5 is a place value. 9 will be our unit, 4 will be our 10, and 2 will be our 100, and again 2 will be our 1000, and 5 will be our 5000. Clear? Students, now we are going to learn about DMAS rule. आप लोगों ने अपनी junior classes में DMAS rule को read किया होगा. हमारे पास अब भी 5 क्लास में भी वही चीज़ है. डी मैथ्स रूल में हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं जो कि मैथ्स में यूजुअली होते हैं, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड ए स्टैंड्स फॉर एडिशन मीन्स प्लस, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमारे पास इनमें से कुछ ऑपरेशंस दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे, या तो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होंगे या 4 में से कोई मिसिंग होगा. हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं यहाँ पे. सपोज वी हैव 25 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 12. वी हैव टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय डी मैथ्स रूल.
डीमैस रूल में हम लोगों ने फॉलो करनी है अपनी, जो हमारे पास सीक्वेंस होगा, हमारे पास सबसे पहले हमने सॉल्व करना है डिवीजन को। हमें अपने क्वेश्चन में डिवीजन साइन नज़र आ रहा है 25 और 5 के मिड में, सो वी हैव टू डिवाइड इट्स 25 को हमने 5 पे डिवाइड करना है। एज वी नो द टेबल ऑफ 5 5 5 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा, सो 5 इज आवर आंसर। 5 × 8 + 6 − 12, बाकी क्वेश्चन हमने सिमिलरली लिख लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सेकेंड नंबर पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की बारी है। मल्टीप्लीकेशन का साइन हमें नज़र आ रहा है 5 and 12 के, 5 and 8 के दरमियान। 5 8 विल बी 40, बाकी चीज़ को हम सिमिलरली लिख लेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन का साइन हमें नज़र आ रहा है 40 and 6 के दरमियान, सो वी विल एड 40 and 6, द आंसर विल बी 46 − 12। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन है, बारी भी हमारे पास डीमैथ्स में इसी की है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर्स 46 − 12। एज वी नो 6 − 2 विल बी 4 एंड 4 − 1 विल बी 3 एंड 34 इज आवर फाइनल आंसर, राइट। स्टूडेंट्स नाउ वी विल लर्न अबाउट ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू और मोर ऑपरेशंस बाय टेलिंग अस विच पार्ट ऑफ द सिंप्लीफिकेशन टू डू फर्स्ट बाय ग्रुपिंग सम नंबर्स टुगेदर, देयरफॉर ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिंबल्स। द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स आर द कर्ली आर द राउंड ब्रैकेट, आप सबको पता होगा राउंड ब्रैकेट का, ठीक है, हम लोग मैथ्स में इसी ब्रैकेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्वेश्चन राइट करते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में है। सपोज 8 − 1 × 4, हमारे पास एक एग्जांपल है, वी हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। हमें पता है हमारे क्वेश्चन में जब भी हम ब्रैकेट्स को देखते हैं तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट जो है हमारे पास 8 − 1 है, इट मीन्स वी हैव टू सॉल्व 8 − 1 फर्स्ट। 8 − 1 विल बी 7 एंड 4 विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, सो 7 × 4 विल बी 7 × 4, आप लोगों को टेबल याद होंगे, 28, 7 × 4 = 28, दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, 10 − 8 / 2, हमारे पास ब्रैकेट में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है हमारे चारों ऑपरेशन में से। अब देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है हमने पहले उसे सॉल्व करना है। 8 / 2 मीन्स हमने 8 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 × 4 = 8, माइनस करेंगे हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा, इट मीन्स 4 इज आवर आंसर ऑफ द डिवीजन। 10 − 4 विल बी 6, सो 6 आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। I hope you all have already learned about these all things and you all are able to solve the all the questions of the brackets and the mass rule. Good luck.